बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस लगा रहे हैं। आज भी एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जेड वन, जेड टू एंड जेड थ्री, जेड फोर आर टू पेयर्स ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन फाइंड, देन हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है। आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड फोर, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू अपॉन जेड थ्री, इसको आप ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो जेड वन एंड जेड टू आर कॉन्जुगेट नंबर, इसका मतलब क्या है? जेड वन इज इक्वल टू जेड टू बार, इसी तरह जेड थ्री इक्वल टू जेड फोर बार। तो क्लियर आपको दिया हुआ है। अब हम ये चीज लिखते हैं, आर्गुमेंट जेड वन अपॉन जेड फोर प्लस जेड टू अपॉन जेड थ्री। आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर्गुमेंट जेड वन अपॉन जेड फोर मल्टीप्लाइड बाई जेड टू अपॉन जेड थ्री, जेड टू अपॉन जेड थ्री। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आर्गुमेंट जेड वन प्लस आर्गुमेंट जेड टू इज इक्वल टू आर्गुमेंट जेड वन मल्टीप्लाइड बाई जेड टू। मीन्स मल्टीप्लाई करके आप इसका आर्गुमेंट निकालो, या इसका आर्गुमेंट पहले निकालो, उसका आर्गुमेंट पहले निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो वो इक्वली होते हैं। ये आप पर कॉन्सेप्ट समझे। ये अगर वेक्टर फॉर्म में जेड वन होता है तो ये जेड वन हो गया, इसका आर्गुमेंट थीटा हो गया, थीटा वन हो गया जेड वन का, एंड ये जेड टू है, इसका थीटा टू हो गया। तो थीटा वन थीटा टू निकालोगे तो वो ऐड होकर के कुछ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है, जेड वन से जेड टू को मल्टीप्लाई कर दिया तो जेड वन को आपने थीटा टू एंगल से और आगे बढ़ा दिया, तो ये जेड वन यहाँ पे आ जाता है, ये जेड वन जेड टू की वैल्यू इस तरह आ जाती है, ये भी थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाता है। वहां से ये फार्मूला आता है, जस्ट रिविजन के लिए मैंने बता दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट। अब जेड वन क्या है? जेड वन इज जेड टू बार है, जेड टू बार है तो जेड टू हो गया। एंड जेड थ्री क्या है? जेड फोर बार है, तो यहां पे जेड फोर बार हो गया। ये हो गया। अब आपको ये भी पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ये करते हो जेड, उसको मल्टीप्लाई करते हो जेड बार से, तो क्या आ जाता है? इसके मॉड का होल स्क्वायर। ओके, यहां ही सिचुएशन इसमें आ गई। आर्गुमेंट जेड टू मॉड का होल स्क्वायर एंड जेड फोर मॉड का होल स्क्वायर। अब ये दो रियल नंबर हो गए, जेड टू मास इज रियल नंबर, जेड फोर मॉड इज रियल नंबर आल्सो। तो रियल नंबर हो गए, इसका मतलब वो अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखोगे तो ये इसी एक्सिस पे दोनों लाई करेंगे, तो इनके बीच में कोई एंगल होगा ही नहीं, एंगल जीरो होगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई जीरो। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लगा सकते थे, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर आते हैं अगली बार, कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। थैंक यू।